इस क्रीम का उपयोग चेहरे को गोरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह क्रीम लेडीज और जेंट्स दोनों लोग चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आज हम आपको इस क्रीम के उपयोग के बारे में बताएंगे, ये क्रीम का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है, इस क्रीम का काम क्या होता है, ये क्रीम एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इस क्रीम का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे। जैसे कि इस क्रीम का उपयोग चेहरे पर उपयोग किया जाता है जिससे चेहरा गोरा हो जाता है। जैसे कि अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे क्या प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है। यह क्रीम चेहरे को एकदम शाइनिंग बना देता है, यानी चेहरे पर चमक लाता है। यह क्रीम त्वचा को शाइनिंग कर देता है, यानी जो त्वचा रहता है वो एकदम गोरा हो जाता है। इस क्रीम का उपयोग गोरा पन करने के लिए इस क्रीम को चेहरे पर लगा जाता है। इस क्रीम से चेहरा एकदम गोरा गोरा हो जाता है। ये क्रीम आदमी और औरत दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रीम का मुख्य काम होता है चेहरे पर चमक लाना। जैसे कि अगर किसी का चेहरा होता है जो हल्का सा सांवला टाइप का होता है, या फिर दाग धब्बे की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं छैया की वजह से, या कोई अगर कोई जल गया है उसकी वजह से उसके चेहरे पर हल्का फुल्का सा हम कह सकते हैं दाग धब्बे का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो भी इस क्रीम से ठीक हो जाता है। इस क्रीम का जो मुख्य काम होता है चेहरे को शाइनिंग रखना, यानी चेहरे को गोरापन लाना, जिससे चेहरा सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। चेहरे पर शाइनिंग सा रहता है, चमक सा रहता है इस क्रीम को लगाने से। ये क्रीम आपको लगाना कैसे है, चलिए अब हम आपको इस क्रीम लगाने के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये क्रीम आपको रात के टाइम लगाना होता है। ये क्रीम आप धूप में लगा के नहीं निकल सकते हैं, और जैसे कि ये क्रीम आपको सुबह और शाम लगा सकते हैं, लेकिन ये क्रीम आपको धूप में लगा करके नहीं निकलना है। ये क्रीम लगाने से पहले आप अपने मुंह और हाथ को अच्छी तरीके से धुल लें, उसके बाद में आप अपने उंगलियों में ये क्रीम लेकर के पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। ये क्रीम आपको दिन में दो बार लगाना है, ये क्रीम लगा के आपको धूप में नहीं निकलना है। चलिए अब हम आपको इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस क्रीम का क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि आप ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको लाली पड़ सकता है, खुजली हो सकता है, रेडनेस सा हो सकता है, जलन जैसा महसूस हो सकता है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपके चेहरे पर दिखे तो ये क्रीम तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी क्रीम, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।